दोस्तों कहीं आपको इंटरनेट की लत तो नहीं लग गई। इंटरनेट एक ऐसा रास्ता है जो आपको दुनिया के किसी भी कोने तक लेके जा सकता है। ज्ञान का ऐसा भंडार जहां आप हर विषय के बारे में जानकारी पा सकते हैं। एक ऐसी दुकान जहां छोटी बड़ी हर चीज महज एक क्लिक में खरीद सकते हैं। एक ऐसा साथी जो आपका मूड के अनुसार मनोरंजन कई विकल्प में देता है। एक ऐसा वफादार नौकर जो आपकी सेवा में 24 घंटे तैयार रहता है, बस आप उसे आदेश दे तो। पर यहीं इंटरनेट जो आपके एक आदेश पर आपके कदमों पर पूरी दुनिया हाजिर कर देता है, एक समय बाद आपके दिमाग में इस कदर कब्जा कर लेता है कि आप इसे आदेश देते देते कभी इसकी गलियों में गुम हो जाते हो, आपको भी पता नहीं चलता। इसके बिना आप अधूरा महसूस करने लगते हो। आपको लगता है कि आपकी दुनिया बस इंटरनेट ही है। इसके अलावा इस लेवल पर पहुंचने को कहते हैं इंटरनेट एडिक्शन, यानी कि इंटरनेट की लत। तो आइए इस लत के अलग अलग पहलुओं के बारे में पड़ताल करते हैं। पहला है सावधान, आप इंटरनेट के जाल में फंस रहे हैं। क्या आप आजकल इंटरनेट पर कुछ ज्यादा ही वीडियो गेम खेलने लगे हैं? खरीदारी के लिए बाजार जाने की हिम्मत आपने उठानी बंद कर दी है। आप दुनिया के दूर दराज के कोनों तक पहुंच जाते हैं, पर घर से महज 500 मीटर दूर गए आपको जमाना हो गया। सुबह सबसे पहले उठते ही सोशल मीडिया के अपडेट चेक करते हैं। रात को वॉशरूम जाने के लिए तो उठते हैं, लेकिन मोबाइल को भी जगा देते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि दुनिया में कहीं कुछ नया तो नहीं हो रहा। आप दिन का अच्छा खासा टाइम YouTube वीडियोस देखते हुए बिताते हैं। आपसे कुछ भी पूछो तो आप उसका जवाब ढूंढने के लिए इंटरनेट पे लग जाते हैं। आपको भले ही ये ना लगे, लेकिन आपके परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ये कहने लगे हैं कि तुम आजकल फोन और कंप्यूटर पे कुछ ज्यादा ही देर तक हो। अगर इनमें से कई बातें आप पर लागू हो रही है तो सावधान हो जाए, आप इंटरनेट के जाल में लगभग फंसने जा रहे हैं। कुछ मामलों में तो फंस भी चुके हैं। अगर इसे साइंस की भाषा में कहे तो फिर ये इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर या कंपल्सिव इंटरनेट यूज भी कहते हैं। हालांकि इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर को ऑफिशियली डिसऑर्डर की श्रेणी में नहीं रखा गया है, पर एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका और यूरोप की लगभग 10% आबादी इंटरनेट एडिक्शन से जूझ रही है। नंबर 2, लोग इंटरनेट के इतने आदि क्यों हो जाते हैं? जैसे ड्रग्स या अल्कोहल हमारे मस्तिष्क के प्लेजर सेंटर्स को उत्तेजित करता है, इंटरनेट एडिक्शन भी दिमाग पर बिल्कुल वैसा ही असर डालता है। इंटरनेट पर समय बिताने के दौरान डोपामाइन का स्त्राव होता है, जिससे आपको काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। पर इस तरह अच्छा महसूस करने के लिए आप और सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है, और एक्टिविटीज के लिए आपको इंटरनेट पर और अधिक समय बिताना पड़ता है। आप इंटरनेट पर गेम खेलते हैं, शॉपिंग करते हैं, कुछ सर्च करते हैं, इसके अलावा आप वीडियोस देखते हैं। इन काम के चलते आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रहने लगते हैं, साथ ही आपकी निर्भरता इंटरनेट पर ही बढ़ती जाती है। अब सवाल ये है कि दिन भर में काफी समय वेस्ट करने के बावजूद आप इंटरनेट पर बिताए जानलेवा समय के दौरान अच्छा क्यों महसूस करते हैं? ब्राउजिंग, गेमिंग, शॉपिंग और पोर्नोग्राफी जैसी गतिविधियां आपके दिमाग को रिवॉर्ड जैसी लगती है, क्योंकि इंटरनेट का भंडार इतना विशाल है कि आपको हर बार नई नई चीजें जानने और देखने को मिलती है। टीवी के इतर इंटरनेट आपको चीजों को अपने हाथ से कंट्रोल करने की सुविधा देता है, यानी अगर कोई जानकारी आपको अच्छी ना लगी तो आप दूसरी ओर बढ़ सकते हैं। आप खुद को ताकतवर महसूस करते हैं और इसी ताकत के झूठे एहसास के चलते और डूबते जाते हैं। कुछ लोग इंटरनेट और उसकी पीठ पर सवार होकर चलने वाली सोशल मीडिया के चलते दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने से खुशी का अनुभव करते हैं। जिन लोगों से हम प्यार करते हैं या फिर जिनसे हम नफरत करते हैं, उनकी जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है इंटरनेट बता देता है। इस तरह आसानी से जानकारी उपलब्ध कराकर इंटरनेट हमारे दिमाग को अपना गुलाम बनाना शुरू कर देता है। कुछ लोग अपनी दूसरी परेशानियों से बचने के लिए इंटरनेट की शरण में आते हैं, मतलब कि एंजाइटी या फिर डिप्रेशन में जूझ रहे लोग सुकून की तलाश में इंटरनेट पर आते हैं। कुछ समय तक उन्हें अच्छा भी लगता है, पर जल्दी वो इंटरनेट के कंट्रोल में आ जाते हैं। जिन लोगों को सामाजिक कार्यक्रमों में आने जाने में सहजता महसूस नहीं होती, वे भी आसानी से इंटरनेट की लत बन सकते हैं। नंबर 3, संकेत जो बताते हैं कि आप इंटरनेट के जाल में फंस चुके हैं। दरअसल इंटरनेट आपको अपनी गिरफ्त में लेने के बाद मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से आपको प्रभावित करना शुरू कर देता है। इसके कुछ शारीरिक और मानसिक लक्षण यूं हैं कि अपनी जिंदगी और हालातों से असंतुष्ट महसूस करना, जिसके चलते मामला डिप्रेशन तक पहुंच सकता है। नंबर 2 है अपराध बोध की भावना पैदा हो जाना। भले ही इंटरनेट पर समय बिताते हुए आपको अच्छा लगे, पर उसके चक्कर में आप जरूरी काम नहीं करते, तब आपको अपराध बोध यानी कि गिल्ट महसूस होने लगता है। नंबर 3 है इंटरनेट सबसे पहले आपके टाइम टेबल पर अटैक करता है। आपको ये तक पता नहीं होता कि आप इंटरनेट पर कितने समय तक फंसे हुए हैं, साथ ही आप चीजों की प्राथमिकता तय करना भूल जाते हैं। आपका वर्क शेड्यूल बिल्कुल बिगड़ जाता है, ऑफिस का काम प्रभावित होता है, आपकी निजी जिंदगी पर भी इंटरनेट नकारात्मक असर डाल सकता है। नंबर 4, कंप्यूटर या स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते वक्त आपका मूड एकदम शांत रहता है। आप इंटरनेट पर समय बिताते समय अपनी सारी चिंताओं और जिम्मेदारियों से मुक्त महसूस करते हैं। नंबर 5, आप पहले की तुलना में ज्यादा झूठ बोलते हैं। इसका कारण ये है कि इंटरनेट के चलते आप समय पर दूसरी जिम्मेदारियों और जरूरी काम नहीं कर पाते। पूछे जाने पर
बहानेबाजी करते हैं या फिर झूठ बोलते हैं। नंबर 6, मूड स्विंग का सामना करना एक प्रमुख लक्षण है। दरअसल जब आप ऑनलाइन होते हैं तब आपको ये लगता है कि दुनिया आपकी उंगलियों के क्लिक के नीचे है, पर जैसे ही आप असल जिंदगी में आते हो तब खुद को अकेला पाते हो। आपको डर लगता है, साथ ही आपको अकेलापन महसूस होता है। कभी कभी खुद से चिढ़ भी होती है, आपको ना जाने किस पर गुस्सा आता है और धीरे धीरे आपका वैसा ही व्यवहार हो जाता है। नंबर 7 एंड लास्ट, आपकी एकाग्रता कम होती है। आप चीजों से जल्दी बोर हो जाते हैं। आपके दिमाग में एक आभासी दुनिया तैयार होती है जिसके चलते शरीर का बायोलॉजिकल सिस्टम गड़बड़ा जाता है। इंटरनेट की लत से लोगों को रात भर नींद भी ठीक से नहीं आती, यानी कि इंटरनेट इंसोमेनिया की सौगात दे सकता है। नंबर 4 है, इंटरनेट के कुछ शारीरिक लक्षण भी है, जैसे लंबे समय तक स्क्रीन में घुसे रहने के कारण आंखों की समस्या होना, आमतौर पर ड्राई आईज और ठीक से दिखाई न देना, आंखों में जलन और खुजली, दिमाग को पूरी तरह से इंटरनेट पर खपाए रखने के कारण सिरदर्द, एक ही पोजीशन में बने रहने के कारण पीठ दर्द, गर्दन में अकड़न, कलाई में दर्द, साथ ही आपके शरीर का वजन बढ़ना या फिर कम होना, क्योंकि आप ज्यादा समय तक इंटरनेट पर बने रहने के लिए एक्सरसाइज और दूसरी आउटडोर एक्टिविटीज को बंद कर देते हैं, इससे वजन बढ़ता है। वजन कम होने का कारण समय पर ना खाना, अधूरा पोषण लेना। दोस्तों लास्ट एंड नंबर 5, कैसे आप इंटरनेट के जाल से खुद को बाहर ला सकते हैं। किसी भी मानसिक समस्या या खराब आदत से बाहर निकलने का पहला कदम है ये स्वीकार करना कि आप एक गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं, यानी समस्या को स्वीकार करना। जब तक आप समस्या को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप उसके विचार के बारे में सोचोगे भी नहीं। और एक बात, आप एक झटके में इंटरनेट से दूरी नहीं बना सकते। आपको धीरे धीरे इंटरनेट पर बिताए गए जानलेवा घंटों को कम करना होगा, मतलब कि आपको हफ्ते में 36 से ज्यादा घंटे इंटरनेट पर बिताना लत की श्रेणी में आता है। आपको इसे 16 घंटे से नीचे लाना होगा। अच्छा महसूस करने के लिए दूसरी गतिविधियों में खुद को व्यस्त करना होगा। लोगों से मिलना शुरू करें, फिजिकल गेम खेले, परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें, सुबह घूमने जाए, बस यूं ही लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाए, किताबें पढ़े, डायरी लिखना शुरू करें। अगर आपको फिर भी आसान तरीकों से इंटरनेट एडिक्शन से छुटकारा पाने में मदद नहीं मिल रही तो आप मनोचिकित्सक की सहायता लें। दोस्तों जो भी हो, लेकिन इंटरनेट के जाल से खुद को छुड़वाकर असल जिंदगी में लौटना आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। वेल, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। बाय।